हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? बीएड फर्स्ट ईयर की न्यू बैच की क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए जिन लोगों ने भी इस बार बीएड में एडमिशन लिया है। देखिए, आज हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की सेकंड क्लास है, जिसमें हम शिक्षा का संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को जानेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शिक्षा के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के विशेषणात्मक अर्थ की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, अथवा शिक्षा के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। मतलब यह है कि टॉपिक सिर्फ एक ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, बट क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दिए गए हैं, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में दिख जाएँ तो आपको कैसे अपना आंसर लिखना होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि शिक्षा का संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, पहले ये जान लीजिए कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो हिंदी शब्द शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सीखना और सिखाना। और उस शाब्दिक अर्थ के आधार पर सीखने सिखाने की आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जन्म से मृत्यु तक शिक्षा की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की प्रक्रिया जीवन भर चलती ही रहती है। आप जन्म से लेकर के जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बड़ों से या छोटों से हमेशा सीखते ही रहते हो। तो यही है शिक्षा की प्रक्रिया जो आजीवन चलती रहती है। इसके अनौपचारिक एवं औपचारिक दो रूप होते हैं। अनौपचारिक क्या होता है, जो आप अपने घर में या कहीं भी बैठकर किसी भी टाइम सीख सकते हो। औपचारिक वो होता है जिसमें आप फॉर्मल तरीके से किसी भी चीज़ को सीखते हो, कहीं तैयार होकर जाते हो, मान लीजिए विद्यालय जो है वहाँ आप फॉर्मल तरीके से या औपचारिक तरीके से सीखते हो। तो ये हो गया अनौपचारिक और औपचारिक, दो रूप हैं इसके। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिष्कार होता है, एवं व्यवहार परिष्कार का परिणाम उसके व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास होता है। इस तरह शिक्षा व्यक्तिक भी होती है और सामाजिक विकास की प्रक्रिया भी है, मतलब इंडिविजुअल भी होती है और सोशल भी है। तो दोनों तरह की ये प्रक्रिया है, और व्यक्ति व्यक्ति के समूह के विकास से समाज एवं राष्ट्र का विकास होता है। तो ये चीज़ें हैं। राष्ट्रीय विकास का आधार मानव संसाधन विकास है, और मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा ही है। इस तरह शिक्षा व्यक्ति समुदाय और राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया है, और इसका क्रम क्या है, तो पहले व्यक्ति का विकास होगा, फिर समुदाय का विकास होगा, फिर क्या होगा, पूरे राष्ट्र का विकास होगा। इसलिए ज़रूरी क्या है कि पहले व्यक्ति का विकास किया जाए, पहले किसी व्यक्ति को शिक्षित किया जाए। जब आप व्यक्तियों को शिक्षित कर देंगे तब आपका समाज भी समुदाय भी शिक्षित हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा, और उसके बाद पूरा राष्ट्र क्या है, विकासशील हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका क्रम है, पहले व्यक्ति, फिर समुदाय, फिर राष्ट्रीय विकास। आगे देखिएगा, शिक्षा का राजनीतिक संप्रत्यय क्या है। अगर इसकी बात करें, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो राजनीति शास्त्रियों ने राज्य और उसकी शासन तंत्र पर अधिक विचार किया है। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज का रूप राज्य और शासन तंत्र के अनुसार ही होना चाहिए। व्यक्ति को शिक्षा ऐसी दी जानी चाहिए जो समाज और राज्य के लिए उपयोगी हो। तो ये किसका संप्रत्यय है, राजनीतिक संप्रत्यय है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। शिक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण किया जाना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिकों के निर्माण से ही क्या होगा, राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। जब नागरिक श्रेष्ठ होंगे तो अपने आप ही राष्ट्र का निर्माण जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें कही गई। अगला है शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार आर्थिक स्रोत और आर्थिक तंत्र पर दिए हैं। वे व्यक्ति और समाज को आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। उनके अनुसार शिक्षा क्या है, एक उत्पादक प्रक्रिया है या उत्पादक क्रिया है। उनके अनुसार शिक्षा उपभोग की वस्तु होते हुए उत्पादन का कारक भी है जो उत्पादन करती है, और शिक्षित व्यक्ति में उत्पादन शक्ति अशिक्षित से अधिक होती है। क्या कहा कि शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, जिनके पास शिक्षा होती है उनके पास उत्पादन शक्ति ज़्यादा होती है, जो लोग अशिक्षित होते हैं उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति की शिक्षा पर किया गया व्यय यानी कि खर्च उनके द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ से बहुत ही कम होता है। और अर्थशास्त्रियों के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा आर्थिक निवेश के समान ही होती है।
इनसे व्यक्ति में उत्पादन और संगठन की कौशलों में वृद्धि होती है और इस प्रकार व्यक्ति समाज और राष्ट्र की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते रहता है। अगला है शिक्षा का वैज्ञानिक संपत्ति क्या है, देखिएगा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो वैज्ञानिक संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। साइंटिस्ट वे किसी वस्तु या व्यक्ति की क्रियाओं को वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं। कैसे देखते हैं, किसी भी चीज़ को वो वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं। बालक की जन्मजात शक्तियों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों से सहमत है। उनके व्यवहार के संबंध में समाजशास्त्रियों ने इनसे भी सहमत हैं। उनके अनुसार बालक अपनी जन्मजात शक्तियों के माध्यम से बाहरी वातावरण की साथ क्या करता है, एडजस्टमेंट कर लेता है या समायोजन कर लेता है। कैसे, अपनी जन्मजात शक्तियों के माध्यम से उसके अंदर पहले से जो शक्तियां निहित हैं उन चीज़ों से वो क्या करता है कि बाहरी वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय करना है। किसका कहना है, हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है। आगे देखेंगे शिक्षा का मनोवैज्ञानिक संपत्ति क्या है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बालक के बाहरी स्वरूप और उसका अंतःकरण दोनों होता है। मनोविज्ञान का अध्ययन क्या कहता है कि बालक के बाहरी स्वरूप का भी अध्ययन किया जाए और उसके आंतरिक स्वरूप का भी अध्ययन किया जाए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शिक्षा बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण का दोनों प्रशिक्षण है। उनके अनुसार बालक जन्म से ही कुछ शक्तियों को जन्म लेकर पैदा होता है या जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है तो उसके पास कई सारी शक्तियां पहले से क्या होती है, निहित होती हैं। कई चीज़ें बच्चे जन्म से ही सीख कर आते हैं और शिक्षा का कार्य इन शक्तियों का क्या करना है, विकास करना है। बच्चों के पास पहले से शक्तियां होती हैं लेकिन शिक्षा क्या करता है कि वो जो शक्तियां जो अंदर हैं बालक के उसको बाहर लाने का कार्य करती है। बालक की इस जन्मजात शक्तियों का विकास कैसे किया जाए, इस संबंध में पेस्टोलॉजी ने कहा कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। किसका कहना है, पेस्टोलॉजी का कहना है। तो जो मनोवैज्ञानिक ने जो चीज़ें कहा है ये चीज़ आप अलग से अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा जिससे आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम में लिख सकें आप अच्छे से। अब आगे जानेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है, एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में देख लीजिएगा। तो शिक्षा क्या है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है शिक्षा की। आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो यही यहाँ पर कहा गया है, शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में उचित दिशा में परिवर्तन आते ही रहते हैं। हर टाइम उसमें कुछ बदलाव होता रहता है, कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता ही रहता है। अगली प्रक्रिया है कि शिक्षा द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसे है, बाइपोलर प्रोसेस किस प्रकार से है। तो सर्वप्रथम प्रसिद्ध शिक्षाविद एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, इनकी एक पुस्तक है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एडम्स की, इसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा में दो ध्रुवीय प्रक्रिया इन्होंने बताया। इसमें एक ध्रुव क्या है, टीचर है यानी कि शिक्षक है, और दूसरा ध्रुव क्या है, विद्यार्थी। तो स्टूडेंट और टीचर ये दो ध्रुव हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा क्या है, दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, टू बाईपोलर प्रोसेस है या टू पोल्स प्रोसेस है। एडम्स ने इसका विश्लेषण भी किया। तो किस प्रकार से, देखिएगा शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, मतलब एक टीचर और एक विद्यार्थी शामिल होता है इसके अंदर, जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। बच्चे टीचर को प्रभावित करते हैं और टीचर क्या है, बच्चों को प्रभावित करता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। आगे कहा कि यह प्रक्रिया केवल सचेतन नहीं है बल्कि सोद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य से भरपूर यह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक का एक स्पष्ट प्रयोजन होता है और वह अपनी उसी के अनुसार, जो उसका प्रयोजन है उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में वह परिवर्तन करता रहता है। तो यह प्रक्रिया जो है वह बिना उद्देश्य की नहीं होती, एक उद्देश्य होता है इस प्रक्रिया के अंदर। आगे इन्होंने कहा कि वे साधन जिनके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है वे कुछ इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षक के व्यक्तित्व का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और ज्ञान के विभिन्न अंगों का प्रयोग होता है। एडम्स ने इस कथन को प्रस्तुत किया है कि शिक्षा की इस क्रिया में शिक्षक और बालक दोनों समान महत्व रखते हैं।
इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि टीचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या बालक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों इसमें इस प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों के सक्रिय सहयोग से ही यह प्रक्रिया चल सकती है। जब टीचर नहीं होगा तो कैसे ये प्रक्रिया चलेगी, या फिर उसमें बच्चे नहीं होंगे तो टीचर सिखाएगा किसको, तो इसलिए दोनों ही ज़रूरी हैं, ये इनका कहना है। आगे देखेंगे, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है यानी कि ट्राईपोलर प्रोसेस है। तो ये किसने कहा, ये जॉन डीवी ने कहा। द्विपोलर प्रक्रिया किसने कहा था, एडम्स ने कहा था। मतलब द्विध्रुवीय प्रक्रिया या द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था, बाईपोलर एडम्स ने कहा था। लेकिन त्रिध्रुवीय ट्राईपोलर किसने कहा, जॉन डीवी ने कहा। तो ये नाम भी आपको याद रखने होंगे। अब देखिएगा कि ट्राईपोलर इन्होंने क्यों कहा, तो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है। वे शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के अतिरिक्त समाज को शिक्षा का एक प्रमुख तत्व मानते हैं। इन्होंने टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या जोड़ दिया, एक समाज शब्द को भी जोड़ दिया। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये ट्राई पोलर प्रोसेस है, इसमें तीन पोलर हैं, एक टीचर है, स्टूडेंट है और तीसरा क्या है, समाज है। तो इसलिए इन्होंने इसको ट्राईपोलर कहा। उनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में बालक को समाज के अनुकूल बनाया जाता है, जिससे वह अपने समाज के साथ एडजस्ट कर पाएँ। उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाया जाता है, वह समाज के पुनर्निर्माण में सहयोग कर सके। जॉन डीवी ने शिक्षा के सामाजिक अंग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। जॉन डीवी ने कहा कि समस्त शिक्षा प्रजाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति के सक्रिय रहने से ही क्या होता है, उत्पन्न होती है शिक्षा। अगला है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये सही बात है कि एजुकेशन जो है ये एक सोशल प्रोसेस है। देखेंगे कैसे, तो शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में केवल बालक का व्यक्तिगत विकास नहीं होता है, बल्कि शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास भी किया जाता है। कि बच्चा समाज के साथ कैसे उठे बैठेगा, कैसे बातचीत करेगा, समाज के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगा, तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से पता चलती हैं बालक को। बालक एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो उसे समाज में रहना होता है। शिक्षा बालक में नागरिक गुणों का विकास करके उसे समाज के लिए उपयोगी बनाता है, जिससे क्या हो सके कि बालक समाज के लिए अच्छे कार्य कर सके, समाज के लिए उपयोगी बन सके, ना कि वह समाज के लिए उग्रधारी या फिर मतलब समाज के लिए ही बुरा बन जाए। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बालक समाज में रहता है, तो इसलिए शिक्षा को समाज के अनुरूप ही बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। जॉन डीवी ने कहा कि सामाजिक वातावरण में उसके समाज या किसी भी सदस्य की समस्त क्रियाएं आ जाती हैं, और इसका प्रभाव उतनी ही मात्रा में वास्तविक रूप से शिक्षाप्रद होता है जितनी मात्रा में एक व्यक्ति समाज की सहयोगी क्रियाओं में भाग लेता है। तो ये कहना था जॉन डीवी का। अगली प्रक्रिया देखेंगे, पांचवा पॉइंट है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। एजुकेशन क्या है, डायनेमिक प्रोसेस है। मनुष्य शिक्षा के माध्यम से जो अनुभव प्राप्त करता है, जो उसे अनुभव मिलता है, जो चीज़ें वह सीखता है, उसका विकास भी करता है। आगे लिखा है, शिक्षा बालक के जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है, इसलिए इस क्रिया को स्थिर ना कहकर हम क्या कहते हैं, गतिशील कहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि चलती ही रहती है, प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है, इसलिए इसे हम गतिशील प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षा केवल जीवन के लिए तैयार ना होकर के स्वयं ही एक जीवन माना जाता है। यदि शिक्षा गतिशील ना होती तो मनुष्य और समाज विकसित ही ना हो पाते। मतलब एक टाइम पीरियड होता कि बच्चे सिर्फ या मनुष्य कोई है तो इतने ही टाइम तक सीख सकता है, तो उसके बाद की जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर हमारा एक टाइम होता कि 24 या 25 वर्ष तक ही हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसके बाद तो हमें कुछ सीखने को ही नहीं मिलता। तो शिक्षा क्या है, वो जीवन भर चलती रहती है, इससे हमारे समाज का विकास होता रहता है और हमारे अंदर का विकास भी होता रहता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हर एक चीज़ें हम अपने लाइफ के हर एक पहलू पर सीखते रहते हैं, तो इसलिए इसे हम गतिशील प्रक्रिया बताते हैं। टी रेमंड ने कहा कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति के सैसो से मतलब इन्फेंसी से क्या होता है, प्रौढ़ावस्था तक क्रिया या चलती रहती है, जिसके द्वारा वह अपने धीरे धीरे विभिन्न विधियों से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाता रहता है। मतलब हमेशा प्रक्रिया चलती है और इसी के अनुसार जो भी व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ सीखेगा, उसके अनुसार अपना भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण को विकासशील भी बनाएगा और उसमें क्या होगा, अनुकूल भी बनाएगा। अगली प्रक्रिया है, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। तो बहुत ही सही
यही बात लिखी है कि शिक्षा के द्वारा विकास होता है, हर एक चीज़ों का विकास होता है, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे व्यक्तिगत विकास हो या फिर नैतिक विकास हो, तो हर एक विकास होता है शिक्षा के द्वारा। इसलिए हम इसे शिक्षा विकास की प्रक्रिया है ऐसा भी कह सकते हैं। क्या लिखा है कि एक बालक के अंदर निहित प्रकृति प्रदत्त जन्म शक्तियों का प्रकटीकरण कराती है, उन्हें बाहर निकालती है। जो चीज़ें अंदर हमारे निहित हैं, जो चीज़ें हमें पता भी नहीं होती हैं, जब हमें शिक्षा प्राप्त होती है तब हमें चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये भी चीज़ें हैं। तो हमें शिक्षा क्या करती है, हमारी शक्तियों को बाहर निकालती है। इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि बालक के अंदर निहित प्रकृति प्रदत्त शक्तियाँ बीज के रूप में हैं, शिक्षा इन बीज रूपी प्रकृति को वृक्ष के रूप में बड़ा करती है। क्या है कि बीज हमारे अंदर है, शक्तियों का बीज, हर एक ज्ञान का बीज है, लेकिन वो बीज कब बड़ा होगा, जब उसमें पानी खाद डालना पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा, वो जब शिक्षा प्राप्त होगी तभी शिक्षा के द्वारा ही वह पेड़ जो हमारे अंदर जो बीज है ज्ञान का, वो बीज बड़ा होता चला जाएगा। आगे देखिएगा, लिखा है यदि जो खाद पानी एवं वातावरण के रूप में है तथा इसके परिणाम स्वरूप विकसित वृक्ष बालक के पूर्णता विकसित व्यक्तित्व के रूप में है। वही चीज बात यहाँ पर कही गई है कि अगर हमारे अंदर जो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार कब विकसित होगा, जब शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अतः शिक्षा क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है, विकास होता है शिक्षा के द्वारा, हमारा सर्वांगीण विकास भी होता है और हर एक विकास होता है। हॉर्न जी ने कहा, यहाँ पर हॉर्न महोदय ने, कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकसित स्वतंत्र और सचेतन मानव की ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। और जो मनुष्य बौद्धिक भावात्मक एवं इच्छा शक्ति से जुड़े वातावरण में अभिव्यक्ति होती है। तो ये परिभाषा किसने दी, हॉर्न महोदय ने दी। आपको एक टॉपिक में कई सारी परिभाषाएं यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं, तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा, जैसे जॉन डेवी की परिभाषा है, एडम्स की परिभाषा है, तो ये सारी परिभाषा आप अपने नोट्स में अलग से इसे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें परिभाषा जल्दी याद नहीं होती, और जब आप परिभाषा नहीं लिखते हो तो आपका आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से, अभी आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, क्लासेस आप फर्स्ट ईयर की क्लास कर रहे हो, तो अभी से आप चीज़ों को नोट करते चलिए अपनी नोट्स में और चीज़ों को याद भी करते चलिए। साथ साथ जब अभी से आप पढ़ाई करेंगे, काफ़ी टाइम है अभी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आप अभी से पढ़ाई करोगे तब आप अच्छा कर पाओगे जब एग्ज़ाम आपका करीब आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है कि कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का और शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ क्या है। तो ये चीज़ें आज हमने कवर करी हैं। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी इस बार एडमिशन लिया है बीएड में, फर्स्ट ईयर में है, उनकी फर्स्ट पेपर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप जल्दी से सभी लोगों को ये चीज़ बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।